अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट द बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल को रीड करने से के पहले लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ रियल जीडीपी वर्सेस टाइम। रियल जीडीपी वर्सेस टाइम, टाइम ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड रियल जीडीपी ऑन द वर्टिकल एक्सिस। ओके, व्हाट डू यू प्रोडिक्ट? अगर रियल जीडीपी को मैं प्लॉट करूँ वर्सेस टाइम, लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात नहीं। लॉन्ग टर्म में आप ओवर द ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स को अगर आप अज्यूम करें, तो रियल जीडीपी क्या होगा किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का? रियल जीडीपी क्या फॉल होगा या राइज होगा? यस, सम ऑफ यू मे से इट मे फ्लक्चुएट, इट मे गो डाउन, एंड मे सम ऑफ यू मे से दैट अच्छा ये इम्प्रूव ही इम्प्रूव होगा। तो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ, नॉट शॉर्ट टर्म। अगेन, लॉन्ग टर्म में हमेशा रियल जीडीपी आपका इंक्रीज ही होगा। आप अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के जो 1947 का एरा होगा और अब तक का रियल जीडीपी, क्या उसे इम्प्रूव होगा या नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। क्या स्टोन एज से अब तक हमारा इम्प्रूव होगा या नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। या इवन हम अगर कोई और भी अगर 20 या 25 साल पहले तक की बात करें और अब तक की बात करें तो इम्प्रूव होगा। वाई रीज़न इज़, फर्स्ट रीज़न इज़ पॉपुलेशन। कंटिन्यूसली जो हमारे मतलब पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, वो इंक्रीज़ हो रही है। द मोर द पीपल, द मोर द वर्किंग फोर्स, द मोर द प्रोडक्टिविटी, द मोर द आउटपुट, तो रियल जीडीपी इंक्रीज़ होगा। एंड व्हाट आर द अदर रीजंस? यस, टेक्नोलॉजी इज़ इंप्रूविंग डे बाय डे। अब न्यू न्यू इनोवेशन हो रही हैं, न्यू न्यू ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि बंदों को रिप्लेस करके, आपके 10 बंदों को रिप्लेस करके एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ही उनका काम कर देता है। एग्जाम्पल, शॉपकीपर्स में आपने देखा होगा, शॉपकीपर्स पहले 2 से 3 बंदे वो इसके ऊपर, रिसेप्शनिस्ट के ऊपर या काउंटर के ऊपर रखवाते थे, जिसमें से कोई एक भरोसेमंद इंसान होता था जो उनका अपना होता था, जो मनी कलेक्ट करता था। Nowadays they install a simple inventory system, एक PC उनके पास पड़ा हुआ होता है, चाहे वो उसका जो ऑनर है वो वहाँ पर मौजूद हो ना हो, वो सिर्फ उसकी स्पेंडिंग जो है और जो एग्जिस्टिंग जो उसमें इन्वेंट्री पड़ी है शॉप में, वो उसको मिसमैच देखेगा एंड ही विल बी एबल टू कैच और एनी थिंग माल फंक्शनिंग और एनी थिंग मलिशियस चीज़ कोई भी होगी वो कैच हो जाएगी। सो देर आर सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन इम्प्रूव होने की वजह से आपका जो GDP है, देखें ग्रोथ भी उससे इंक्रीज़ हो गई, उससे आउटपुट भी बढ़ गया। तो रियल GDP ऑलवेज इम्प्रूव। अब अगर उसको मैं प्लॉट करूँ तो सम ऑफ द कंट्रीज़ मे हैव लाइक ये ऐसा प्लॉट हो उनका, मतलब शायद किसी का स्लोअर ग्रो हो रही हो, किसी की जल्दी से ग्रो हो रही हो, उसका जो पेस है ग्रो करने का वो रेट उसका ज़्यादा हो, मे बी इस तरीके से हो, और इससे भी ज़्यादा जो है ये मीडियोकर लेवल की, ये रियल GDP का जो है वो ग्राफ शायद इस तरीके से हो। तो कहने के मकसद ये है कि रियल GDP हमेशा वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होगा, शायद स्लोअर रेट हो या ज़्यादा हैवी रेट हो वो अलग बात है, लेकिन इंक्रीज़ होगा, ग्रो होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब अगर ये ग्रो होता है तो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में तो चलें ठीक है ये ग्रो होता है, व्हाट अबाउट द शॉर्ट रन? यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है बिजनेस साइकिल मॉडल की। बिजनेस साइकिल मॉडल, अ मॉडल शोइंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नेशंस रियल GDP ओवर द टाइम, इंक्रीज एंड डिक्रीज ओवर द टाइम। ठीक है, रियल GDP, अब इंक्रीज और डिक्रीज, मैंने यहाँ पे बात कही कि वो इंक्रीज ही इंक्रीज होगा, लेकिन देयर वुड बी अ डिक्रीज व्हेन इन शॉर्ट मूवमेंट्स। दिस मॉडल टिपिकली डिमॉन्स्ट्रेट्स एन इंक्रीज इन द रियल GDP ओवर द लॉन्ग रन, लेकिन शॉर्ट रन में क्या होगा? कंबाइंड विद द शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस इन द आउटपुट। शॉर्ट रन में GDP मे राइज, मे गो डाउन, देन मे अगेन राइज एंड देन मे गो डाउन। तो इस तरीके से जो है वो GDP में हमेशा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो इकोनॉमी है मे परफॉर्म वेल एंड देन परफॉर्म बैड, मे परफॉर्म वेल एंड बैड, इस तरीके से जो है वो एक कंप्लीट हर इकोनॉमिक सिचुएशन में, हर इकोनॉमी में ये डाउन टर्न्स और अप एंड डाउन आते हैं। तो इसको जी हम कहते हैं बिजनेस साइकिल, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक फ्लक्चुएट होके वापस उसी कंडीशंस में आ रहा है। अब इसके फेजेस भी होते हैं, जब इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव कर रही है तो हम उसको एक्सपेंशन कहते हैं, पीक कहते हैं, ये हम थोड़ा डिटेल में अभी और देख लेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ को ज़रा थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। ये ग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है कि पहले तो ये प्लॉटिंग का थोड़ा सा चेक करें। द डार्क फ्रिंजेस हियर इज़ रिप्रेजेंटिंग द रिसेशन, ये रिसेशन को शो कर रहे हैं। रिसेशन, आई एम सॉरी आई डोंट हैव माउस से जितनी मुझसे टाइपिंग हो पा रही है। और जो ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन जब अच्छी है, जब एक्सपेंशन हम कहते हैं उसको, जब एक्सपेंशन होती है तब हम ये वाला, ये जो ब्राइट है इसमें ये शो कर रहा है कि एक्सपेंशन हो रही है। और ये जो एक ग्राफ है, दिस इज़ बेसिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इसको देखें, रिसेशन को देखें, तो रिसेशन में जब जब यहाँ पर रिसेशन आने वाला है, ये देखें ज़रा, रिसेशन डार्क फ्रिंजेस के दरमियान ये ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है जो अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है, इट इज़, ये देखें पीक आ रही है उसकी, ये हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स जब जब रिसेशन होगी, रिसेशन व्हाट डज इट मीन बाय द रिसेशन, रिसेशन को थोड़ा देख लेते हैं कि किसको कहते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि रिसेशन के साथ होगा क्या। अच्छा, बिजनेस साइकिल मॉडल क्या आपने देख लिया। बिजनेस साइकिल खुद क्या है, इट्स अ रिलेटिवली शॉर्ट टर्म मूवमेंट इन द इकोनॉमी इन एंड आउट ऑफ द रिसेशन, शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक। अच्छा, अब रिसेशन क्या है, डिक्लाइन इन द नेशनल आउटपुट। रिसेशन जब डिक्लाइन होता है किसी भी नेशनल इकोनॉमी में तो हम रिसेशन कहते हैं, जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई और जीडीपी ग्रोथ कम हो गई तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। रिसेशन उस वक्त हम जब जीडीपी, जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी बैड होती जा रही हैं तो हम उसको रिसेशन कह रहे हैं। अच्छा, अगर हम अज्यूम करें, यहाँ पे देखें, जब जब रिसेशन आया है तब तब जो हमने एम्प्लॉयमेंट है, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो देखें ज़रा, ये स्पाइक पे गया, यहाँ पे ये देखें ये डार्क है, ये रिसेशन पे गया, ये रिसेशन से अनएम्प्लॉयमेंट इंप्रूव हुई, जब जब रिसेशन आई अनएम्प्लॉयमेंट ने जंप लगाया है। अच्छा, अब कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है, कंज्यूमर स्पेंडिंग हमारी अगर कम हो जाए, सपोज़ करते हैं कंज्यूमर सर्कुलर फ्लो मॉडल आप लोगों को पढ़ा हुआ होगा, या मैं वीडियो एक और डाल दूँ कि सर्कुलर फ्लो मॉडल की, उसमें हाउस होल्ड, बिजनेसेस और गवर्नमेंट की बात होती है। हाउस होल्ड जो है वो अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बिजनेसेस को देते हैं, जो रिसोर्स मार्केट है उसका फ्लो इस तरफ जा रहा होता है काउंटर क्लॉक वाइज, और जो मनी फ्लो है वो क्लॉक वाइज चल रहा होता है। अच्छा, हाउस होल्ड जो हैं वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसमें वो बिजनेसेस को देते हैं, बिजनेसेस उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट में पे करती है, अगेंस्ट में पे करती है हाउस होल्ड्स को पेमेंट्स, तो मनी का फ्लो जो है काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होता है, नहीं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, और जो रिसोर्स फ्लो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड्स ने दिए, और बिजनेसेस उसको क्या करेगा, बिजनेसेस उसको उसकी कॉस्ट, उसके लिए वो कॉस्ट होगी बिजनेसेस के लिए जो वो पे करेगा, हाउस होल्ड ने लेबर दिया तो उसके वेजेस पे होंगे, अगर कैपिटल दिया तो रेंट पे करेगा, अगर एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स यहाँ पे बिजनेस ने इनिशिएट किए तो उसका प्रॉफिट जो है वो हाउस होल्ड के पास जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मनी जो है वो इस तरफ से फ्लो होती है, और बिजनेसेस जो हैं वो अगेन प्रोडक्ट्स बना के हाउस होल्ड्स को सेल करते हैं, और जो हाउस होल्ड्स हैं वो इनसे परचेज़ करते हैं, तो हाउस होल्ड के पास जो इनकम आती है, जो बिजनेसेस ने उनको पे किया, वो इनकम वापस बिजनेसेस को ही देते हैं, और वो बिजनेसेस उसी उन्हीं से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं जो चीज़ें वो बना के हाउस होल्ड्स को बेचते हैं। अच्छा, अब अगर हम अज्यूम करें कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो बहुत ही लो हो जाती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी जो कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड है, वो कंजप्शन करना, जो खर्चा करना, एक्सपेंडिचर करना वो बंद कर देता है या कम कर देता है। अगर ये कम कर देगा तो क्या होगा कि बिजनेसेस के पास, बिजनेसेस क्या करेंगे, बिजनेसेस को इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे कि वो लेबर को वेजेस दे सकें बिजनेसेस, तो वो क्या करेंगे, फायर कर देंगे लोगों को। जब फायर कर देंगे तो क्या होगा कि जो हाउस होल्ड इनकम जनरेट कर रहे थे लेबर से वेजेस लेके, तो क्या होगा कि उनकी इनकम कम हो जाएगी, हाउस होल्ड्स की इनकम कम हो जाएगी। जब इनकम कम हो गई हाउस होल्ड्स की, तो फिर क्या हो गया, अगेन उन्होंने कंज्यूमर स्पेंडिंग कम कर दी, उनके पास पैसा नहीं है तो वो एक्सपेंडिचर कहाँ से करेंगे, तो स्पेंडिंग कम हो गई, अगेन स्पेंडिंग कम हो गई, बिजनेसेस के पास जो है वो परचेजिंग कुछ भी नहीं हो रही है, लेकिन उनके पास अब वो फिर दोबारा से फायरिंग करेंगे, तो ये एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है जो कि मल्टीपल रिसेशंस प्रोड्यूस करती है, और मल्टीपल रिसेशंस आर कॉल्ड डिप्रेशंस, ठीक हो गया। तो डिप्रेशन इज नथिंग बट अ मल्टीपल रिसेशन और द लॉन्ग डिक्लाइन इन द इकोनॉमी, ये देखें स्पेशली अ लेंथी एंड डीप डिक्लाइन इन द आउटपुट इज कॉल्ड द डिप्रेशन। मल्टीपल रिसेशन व्हेनेवर द कंज्यूमर स्पेंडिंग और अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग डाउन एंड डाउन, और जीडीपी जो है वो डाउन होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग अप, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज गोइंग अप, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होती ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसका रेट जो है वो बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे जी कि ये रिसेशन है, रिसेशन के बाद अगर मल्टीपल रिसेशंस हो गए तो डिप्रेशन आ गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हम देखें कि हाईएस्ट पॉइंट, अब फेजेस की तरफ देख लेते हैं, फेजेस को यहाँ से पढ़ लेते हैं। फेजेस इस पूरे बिजनेस साइकिल के चार फेजेस हैं, पहला फेज है एक्सपेंशन, सेकेंड है पीक, थर्ड है रिसेशन, फोर्थ है ट्रफ। ये चार फेजेस हैं किसी भी बिजनेस साइकिल के, कोई भी इकोनॉमी जो है वो जब फ्लक्चुएशन या शॉर्ट टर्म
इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का शिकार होती है तो वो चार फेजेस से गुजरती है. फर्स्ट इज एक्सपेंशन, व्हेन द इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग सो वेल. ये देखें, आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होती चली जाएगी. लेकिन फिर आपका आता है सेकंड फेज, यहाँ पे पीक पहुँच जाती है. मतलब कि यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है. इकोनॉमी यहाँ पे इन्फ्लेशन भी है यहाँ पे, और जो इसकी अनएम्प्लॉयमेंट है वो तकरीबन ज़ीरो है. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, इसको और गौर से देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट. पहले मैंने वीडियोस में अपलोड कर दी थी, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स भी अपलोड किए थे कि कौन से हैं और वो यहाँ पे कैसे इफेक्ट करेंगे, ये हम देखेंगे. अच्छा, इन्फ्लेशन हो जाती है और इकोनॉमी ओवर हीट करना शुरू कर देती है. ठीक हो गया, पीक पॉइंट. अब ये पीक पॉइंट से जो है वो फिर डाउन, पीक पॉइंट जैसे ही अचीव किया तो फिर ये डाउन हुआ, रिसेशन हुआ. हुआ क्यों रिसेशन, जब एक जो है वो इकोनॉमी जो है वो कंप्लीट एक उसके ऊपर जा रही है कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, और रिसेशन हुआ क्यों? इसकी वजूहात मल्टीपल होती हैं, लेकिन एक वजूहात में से एक वजह यह भी है कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इमोशंस जो है, अगर आपके साथ जो है वो कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, तो नेक्स्ट इवेंट जो होगा वो आप वही प्रेडिक्ट करेंगे कि इट वुड आल्सो बी अ गुड इवेंट और अच्छा मेरे साथ होगा. तो इकोनॉमिस्ट भी यही प्रेडिक्ट करते हैं कि वी आर गोइंग वेरी गुड और जीडीपी जी बड़ा अच्छा जा रहा है, तो हम नेक्स्ट भी यूं ऊपर ही जाएंगे. लेकिन वो एक्स्ट्रापोलेट कर जाते हैं और एक्स्ट्रा एस्टिमेशन चली जाती हैं, तो फिर अचानक से एकदम से रिसेशन. यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर, ये कॉम्प्लिकेट साइकिल ह्यूमन बिहेवियर की भी है. तो रिसेशन से दोबारा रिसेशन, एंड देन दिस पीरियड इज कॉल्ड द रिसेशनरी पीरियड और द रिसेशन. दिस इज द थर्ड, व्हेन द आउटपुट इज डिक्रीजिंग, जब आउटपुट डिक्रीज होता है और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है. थर्ड स्टेज इज ट्रफ. ट्रफ इज अगेन टर्निंग पॉइंट एज द प्रीवियसली पीक वॉज, बट पीक वॉज फ्रॉम हायर टू लोअर एंड ट्रफ विल बी फ्रॉम लोअर टू हायर. द इकोनॉमी विल स्टार्ट अगेन टू परफॉर्म वेल, ये ऊपर की तरफ जाएगी. यहाँ पे हमें लगेगा कि शायद हम लोग स्टिल वी आर इन रिसेशन, बट वी मे नॉट बी इन अ रिसेशन, बट इकोनॉमिक कंडीशन मे बी वेरी वेरी बैड, बट स्टिल वी आर नॉट इन द रिसेशन, वी आर इन द एक्सपेंशन. हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा, ह्यूमन एक्सप्रेशन, ह्यूमन इमोशंस क्या होंगे, दे विल बी सो लाइक यहाँ पर डिप्रेशन हुआ, एनजाइटी हुई, इससे आगे बढ़ते जा रहे हैं. ह्यूमन बिहेवियर मे बी लाइक अच्छा मुझे और इस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास हिस्ट्री होगी और उसको फियर क्रिएट हुआ हुआ होगा कि पहले मैंने जब भी इन्वेस्ट किया स्पेंड किया मुझे नुकसान हुआ, तो अगेन यहाँ से वो शायद स्पेंड करने पे खौफ आएगा उसको कि मैं आगे भी करूँगा तो एक्सपेंडिचर से मुझे प्रॉफिट शायद नहीं हो. लेकिन उसको थोड़ा सा स्पेंड करता है, प्रॉफिट होता है, अगेन ही गेट अच्छा ठीक है इट्स फाइन, अच्छा फिर अगेन थोड़ा और, तो यहाँ पे पहुँचते हुए अगेन वो पीक पर पहुँच जाता है और भूल जाता है कि उसकी पिछली हिस्ट्री में रिसेशन भी हुआ था. एंड ही इज़ अगेन वेरी मच कॉन्फिडेंट कि दी अच्छा अब अगेन दोबारा से ठीक होगा, और फिर से रिसेशन आती है और एक्स्ट्रा एस्टिमेशन हो जाती है. ठीक है, तो दिस हैपन्स, वर्ल्ड हिस्ट्री विटनेसेस दैट इट, ये होता हुआ आ रहा है और शायद आगे भी हो. लेकिन कहाँ मज़े की बात ये होती है कि इकोनॉमिस्ट आर बीइंग पेड और दे आर लाइक एक्सपेक्टेड टू प्रिडिक्ट दिस रिसेशन before time on a perfect timing so that they may devise the policies which is the monetary and the fiscal policy accordingly to avoid the recession in the economy. चार फेजेस हैं, हमने ये पढ़े चार फेजेस हैं. एक्सपेंशन हो गया पीक, रिसेशन एंड ट्रॉफ. एक्सपेंशन इज वेयर द जीडीपी इज इंक्रीजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग, स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग. पीक इज अ टर्निंग पॉइंट फ्रॉम विच लाइक एट विच द आउटपुट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. रिसेशन इज व्हेन द जीडीपी इज डिक्रीजिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग. ट्रॉफ इज अगेन अ टर्निंग पॉइंट वेयर द रिसेशन एंड्स एंड आउटपुट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन. राइट, सो दीज आर द फोर फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल. लेट्स मूव अहेड. अच्छा, कैन यू टेल मी हाउ मेनी रिसेशंस और द डाउन टर्न्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ अकर्ड टिल नाउ? एनी गेसेस? पॉज द वीडियो एंड गेस व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ द रिसेशंस एंड द डाउन टर्न्स इन द होल वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. मे बी यू मे से 200, 150 और 4 एंड 5 एंड 6. सो द आंसर इज 469. There are 469 recessions and the downturns in the economy till now. Acha, can you guess
that how many of them was being predicted by the economists? How many of them? What can you expect? Economists जो हैं उन्होंने इन डाउन टर्न्स को टाइमली प्रिडिक्ट किया होगा. हाउ मेनी ऑफ देम? यस आंसर इज जस्ट 4. दैट्स हिलेरियस बट यस इट इज़ द रियलिटी. देर वर ओनली 4 रिसेशंस विच वॉज बींग प्रिडिक्टेड बाय द इकोनॉमिस्ट ऑन टाइम. ओके लेट्स हैव अ लिटिल बिट मोर डाइव इन टू द कॉन्सेप्ट दैट देर आर 3 थिंग्स. पोटेंशियल आउटपुट, पॉजिटिव आउटपुट एंड नेगेटिव आउटपुट गैप. यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें ब्लू कलर में एक लिखा हुआ है पॉजिटिव आउटपुट गैप और यहाँ पे एक थोड़ा मर्जेंटा कलर में नेगेटिव आउटपुट गैप. एंड दिस लाइन विच इज द डॉटेड लाइन, दिस इज ग्रोथ ट्रेंड जो हमने देखा कि जी रियल GDP आपका इवेंचुअली ग्रोज ओवर विद द टाइम. और हम ग्रोथ ट्रेंड में इस लाइन के ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो पोटेंशियल आउटपुट जितना मैक्सिमम कोई भी एक इकोनॉमी अपने तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए प्रोड्यूस कर सकती है वो पूरा का पूरा आउटपुट यहाँ पे होगा. पोटेंशियल आउटपुट यहाँ पे होगा, पोटेंशियल आउटपुट. अगर आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपने देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था PPC द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और द कर्व, जिसमें एनी पॉइंट विच इज़ लाइंग ऑन द कर्व इज लाइक के अचीवेबल भी होता है एंड दिस इज़ द मैक्सिमम एंड एफिशिएंट द पॉइंट्स और द प्रोडक्शन पॉइंट्स वेयर द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस द मैक्सिमम यूजिंग इट्स होल जो रिसोर्सेज हैं, जो जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से और पूरे यूटिलाइज करें तो फिर जो है वो ये वाले पॉइंट्स अचीव हो सकते हैं. एनी पॉइंट विच इज़ इनसाइड दिस PPC ये वाला जो पॉइंट है या ये जो पॉइंट है डॉट पॉइंट है, दिस इज़ आउट ऑफ द PPC, दिस इज़ नॉन अटेनेबल और इवन इट इज़ आउट ऑफ, मतलब इस यहाँ तक पहुँचने के लिए इस वक्त करंटली आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ये वाला पॉइंट अचीव करने के लिए. यहाँ पे भी आपके रिसोर्सेज होते थे किसी न किसी टर्म के, किसी न किसी आइटम के लिए प्रोड्यूस करने के लिए और यहाँ पे भी रिसोर्सेज को हम रख रहे होते हैं. एनी पॉइंट विच इज़ लाइंग इनसाइड द PPC इज़ इनएफिशिएंट एंड इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग दिस मच ऑफ क्वान्टिटी मीन्स यू आर अंडर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज. आप अपने रिसोर्सेज को कुछ भी यूज़ नहीं, कम यूज़ कर रहे हैं और रिसेशन है यहाँ पे, इकोनॉमिक कंडीशंस आर बैड. सो इनएफिशिएंसी है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे हाई होती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई होती है और यहाँ पे. अच्छा अब यहाँ देखते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप. पॉजिटिव आउटपुट गैप इज़ नथिंग बट पोटेंशियल, ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल आउटपुट एंड एनीथिंग व्हेन द इकोनॉमी इज़ प्रोड्यूसिंग मोर देन इट्स पोटेंशियल आउटपुट it will be like positive output gap और economy यहाँ पे overheat हो जाएगी क्योंकि देखें जो dotted line है वो show कर रही है कि आप maximum इतना achieve कर सकते हैं. maximum अगर आप अपनी सारी की सारी utilizes कर दें, your resources का utilization कर दें तो आप maximum जो है वो इतना growth trend potentially आप में इतनी है. अगर आप इंसान हैं, आपका मैं अगर assume करूँ example लूँ तो आपका capacity है 10 घंटे काम करना या 5 घंटे काम करना, लेकिन peak point के ऊपर आप अगर किसी लेबर है इकोनॉमिक सिस्टम में तो आपसे अगर 10 घंटे काम लिया जाए तो आप करेंगे लेकिन जो आपका आउटपुट है वो इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यू विल लाइक अच्छा बीमार पड़ जाएंगे, अल्लाह ना करे लेकिन बीमार पड़ जाएंगे या कुछ ऐसा होगा कि आप यू विल नॉट बी एबल टू वर्क मोर. तो रिसेशन, बात समझ में आ रही है कि वेन यू आर प्रोड्यूसिंग मोर देन योर पोटेंशियल आउटपुट तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो इकोनॉमी इज़ ओवर हीटिंग, इन्फ्लेशन यहाँ पे रेट हाई है. अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्या होगी. व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग, हमने कहा था कि दिस डॉटेड लाइन शोज द पोटेंशियल आउटपुट मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम आउटपुट यूजिंग योर होल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी दैट विल बी ऑलमोस्ट ज़ीरो, और ज़ीरो नहीं तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इफ़ यू रिमेंबर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज द फ्रेशनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ये देखें, ये फ्रेशनल एंड प्लस स्ट्रक्चरल. फ्रेशनल आर्स काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ टेम्प्ररी
विच इज़ प्योरली टेम्पररी. जैसे जो लोग हैं जो अंडर ग्रेजुएट हुए हैं और दे आर सीकिंग फॉर जॉब और तलाश कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट हुई है, वो सब कुछ कम्प्लीट एक जॉब क्लिंच करने में उनको टाइम पीरियड लगेगा. वॉट अबाउट द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, वो इसके जो स्किल्स हैं वो टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस होने की वजह से आपके स्किल्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं. तो आप अगर दोबारा से एम्प्लॉय होना चाहते हैं तो आपको एक न्यू स्किल सेट अक्वायर करना पड़ेगा. तो या तो वो जो अक्वायर करेंगे वो उसको काफ़ी टाइम पीरियड लगेगा एंड देन अगेन दे विल बी पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स. टिल देन दे विल बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. या फिर आप जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे अगर आप वो स्किल सेट दूसरा नया जो रिक्वायर्ड है मार्केट में वो नहीं एक्वायर करते. सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फ्रैक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल एंड वी स्टार्टेड दैट दिस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एक्जिस्ट. इवन द इकोनॉमी इज़ परफॉर्मिंग सो वेल, इवन द इकोनॉमी इज़ सो हेल्दी, बट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑलवेज एग्जिस्ट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वॉज द वर्स्ट कंडीशन. This was the condition when the people was devastated, discouraged, and they were not able to find their jobs. They were not able to work. So this is the worst condition. This was the actual cyclical unemployment. Okay, what is happening here at the potential output or the growth trend rate? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे full employment है. ये ना ये यहाँ पे जो potential output आपका है वो यानी PPC के इस curve के ऊपर जितने भी points हैं वो हम achieve कर रहे हैं. तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है. फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है? क्या आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो क्या कंप्लीट जीरो हो जाएगा? तो आंसर इज नो. जस्ट टेक अ सेकंड एंड थिंक व्हाई इट इज नो. इवन दो द इकोनॉमी इज हेल्दी बट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट, विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. ठीक है. और यहाँ पे जो आपका हम फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विल बी ऑलमोस्ट जीरो. An unemployment rate would be equals to the natural rate of unemployment. How? For example, the unemployment rate is 10% and natural rate of unemployment जिसमें frictional और structural आ जाते हैं लोग वो suppose कहते हैं जी 3% जो है वो natural rate of unemployment है. तो 7% आपका cyclical unemployment हो गया. इस dotted line के ऊपर जो rate है, जो unemployment rate है, maybe it might be 3%. Means the unemployment rate and the natural rate of unemployment would be equal. वही सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रह गई है जो कि हेल्दी इकोनॉमी में होती है, फ्रैक्शनल और स्ट्रक्चरल. अच्छा, व्हाट अबाउट द नेगेटिव आउटपुट गैप और एट द ट्रफ पॉइंट? यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा और पीक पॉइंट के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? थोड़ा इसको गौर से सोचते हैं. अच्छा, अगर यहाँ पे देखें पोटेंशियल आउटपुट पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज टोटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज टोटली इक्वल टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इफ यू आर गोइंग अप तो इससे ऊपर क्या हो सकता है? इससे ऊपर ये हो सकता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाए, यानी जो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल है वो भी बिल्कुल डिमिनिश हो जाए. तो आप पीक के ऊपर पहुंच जाते हैं. मींस एवरीबॉडी इन द इकोनॉमी इज वर्किंग एंड गिविंग हिज और हर 100%. तो यहाँ इस पॉजिटिव आउटपुट गैप में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुड बी लेस देन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 या 2% होगा, जो कि अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को 3% अज्यूम करूँ तो 1 या 2% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा पॉजिटिव आउटपुट गैप में. एंड वॉट अबाउट द नेगेटिव आउटपुट गैप? इट्स वेरी ऑब्वियस दैट हेयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुड बी ग्रेटर देन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. माई यहाँ पे मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी यकीनन होगी और यहाँ पे तो कंप्लीट 10% होगा और बीच में इसका 9, 7, 8 समथिंग कुछ हो सकता है. But the unemployment rate would be greater than the natural rate of unemployment. I hope the points are clear. Let's move ahead. Okay. Potential output, yahan pe definitions likhi hui hai. The level of the output of an economy can achieve when it is producing at full employment. Jab employment tamam full ho. Or when an economy is producing at its potential output, it experiences only its natural rate of unemployment. No more, no less. इससे ना इससे ज़्यादा ना इससे कम. पॉजिटिव आउटपुट गैप द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट व्हेन एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट आउट. ये रीड कर लीजिएगा, पॉज देके वीडियो को रीड कर लीजिएगा. इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि पीपीसी में पॉइंट्स जो हैं वो कौन से होंगे. पीपीसी में आउटसाइड पॉजिटिव में क्या होगा कि आउटसाइड द कर्व होगा, ओवर हीटिंग होगी इकोनॉमी की, और नेगेटिव में इनसाइड द पीपीसी कर्व होगा कोई भी पॉइंट, तो ये रिसेशनरी गैप जो है वो क्रिएट होगा. अच्छा, अब जो है हम देखें कि द सैम रूल ये एक इकोनॉमिस्ट हैं क्लॉडियस सैम. शी प्रपोज्ड अ रूल टू प्रेडिक्ट द रिसेशन
so that the government, the politicians may devise the policies accordingly to avoid the recessionary gap and to avoid the recessions in the economy. अक्टूबर 2019 टिल नाउ देर वर मैनी इंडिकेटर्स. मैनी इंडिकेटर्स में सबसे ज़्यादा इंडिकेटर आप लोग क्या अज्यूम करेंगे? जीडीपी. अगर जीडीपी डाउन हो जाता है यू वुड से कि जी रिसेशन है. हाँ, लेकिन वेन यू स्टार्टेड टू प्रोडिक्ट दे जी रिसेशन स्टार्ट होने वाला है. असल में तो मकसद ये है ना कि रिसेशन से स्टार्ट होने से पहले ही हमें पता लग जाए कि इकोनॉमी इज़ गोइंग टू फॉल. अब बुरी कंडीशन होने वाली है एंड वी शुड टेक मेजर्स अकॉर्डिंगली. बट द जीडीपी का काम होना यही है कि सिक होने से पहले, जैसे कोविड हो चुका है किसी को तब पता लगेगा जी कोविड. बात तो उस वक्त है जब कोविड होने से पहले सिम्टम्स थोड़े से ही आए, पहला सिम्टम आए और आप अंदाज़ा लगा लें कि जी आप कोविड हो सकता है इस इंसान को, तो इसको क्वारंटीन या जो भी जो मेजर्स हैं वो ले लिए जाएँ. सो जीडीपी का डाउन होना इज़ लाइक कि बीमारी हो चुकी, सिक हो चुका, लेकिन जब सिकनेस होने वाली थी सिम्टम्स को ज्यूम करके हमने देखना था कि कब ये बीमार होने वाला है. द पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज देयर. अच्छा, शी प्रोडक्टेड अ रूल जो कि अब तक जो है वो सबसे बेस्ट रूल या बेस्ट एक मयमेंट टूल जो है वो बताया, प्रडिक्शन टूल जो है वो साबित हो चुका है और ये अब ऑफिशियली पार्ट भी है. बाकी इकोनॉमीज जो है वो इसको फॉलो भी कर रही हैं इस रूल को. इस रूल ने क्या कहा, ऐसा क्या चीज़ बताई? इसने कहा जी कि आप पहले तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखते रहें. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर पिछले 12 महीनों में कोई लोएस्ट आया था, ठीक है, कोई भी लोएस्ट आया था, अभी अगर आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उस लोएस्ट पॉइंट से 0.5% ऊपर चला गया, जैसे पिछले 12 महीने में, अब अगर मैं आपको कहूँ कि जी ये है दिसंबर 2021, अज्यूम करते हैं दिसंबर 2021 है, और पिछला जो दिसंबर 2020 में ये सबसे लोएस्ट पॉइंट आया था. पिछले 2020 में सबसे लोएस्ट पॉइंट आया था और ये था तकरीबन लेते हैं 2.5% या 2.5% से लेते हैं. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज 2.5%. अब दिसंबर 2021 में 0.5% उस जो लोएस्ट पॉइंट था इससे ज़्यादा हुआ था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट लोएस्ट वाज 2.5% इन द लास्ट 12 मंथ्स. तो 2.5% से अगर 0.5% ऊपर चला गया, 3% आ गया, ठीक है, 3% यहाँ पे आ गया, मीन्स देर इज़ अबाउट टू बी अ रिसेशन. यहाँ पे नेक्स्ट रिसेशन होने वाला है. तो ये सेम रूल ने प्रेडिक्ट किया था और इसके प्रेडिक्शन के जब इम्प्लीमेंट किया गया और देखा गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी में तकरीबन इसके रूल ने सबसे ज़्यादा जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक प्रेडिक्शन की थी सिंस 1970s से अब तक जितने भी रिसेशन हुए हैं, और इसके रूल ने जब इम्प्लीमेंट करवाया गया तो शी प्रोडक्टेड हर रूल प्रोडक्टेड सो वेल दैट यस देयर वाज अ रिसेशन. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. अच्छा, दीज आर द डिस्कशन क्वेश्चंस कि व्हाट डज अनएम्प्लॉयमेंट राइज, व्हाई डज अनएम्प्लॉयमेंट राइज ड्यूरिंग द रिसेशन फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल. दीज आर द क्वेश्चंस यू मे रीड इट बाय योरसेल्फ एंड थिंक अकॉर्डिंगली एंड ट्राई टू आंसर इट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.